अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मौजूद है एक बड़ी वियर्ड किस्म की अनबॉक्सिंग और एक बड़ी वियर्ड किस्म की असेंबलिंग, जो कि मेरी नॉर्मल वीडियोस से ना कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये एक टोटली डिफरेंट नीश है, टोटली डिफरेंट सीन है। खैर, काफ़ी टाइम से कुछ इशू आ रहा था चेयर का, और मुझे चाहिए थी अपनी कंप्यूटर के लिए चेयर, लेकिन एक गेमिंग चेयर बहुत महंगी हो जाती है और वो अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल सीन था। वो भी करेंगे इंशाल्लाह जल्दी फ्यूचर में। खैर, तो सीन ये था कि यार मैंने सोचा कि कुछ चेयर ली जाए, यार कमर में दर्द होती है, ज़्यादा देर कंप्यूटर पर बैठना होता है, काम करने होते हैं, ठीक है। तो वो उसके लिए कुछ चेयर चाहिए थी जो सूटेबल हो, जो मेरा मामला हल कर दे। और दो तीन चेयर्स देखी, ऑनलाइन देखी, अपने सिटी में देखी, लोकल मार्केट में देखी, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रही थी। लेकिन मुझे फिर फाइनली एक ऑनलाइन चेयर मिल गई जो कि प्राइस भी ठीक थी और चीज़ भी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा यार ट्राई कर लेते हैं, सही हुई तो मामला हल हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पैकेज, इसको मैंने ऊपर से खोल लिया था चेक करने के लिए कि सारी चीज़ें जो अंदर हैं वो ठीक हैं, टूटी वगैरह तो नहीं है, कोई कंडीशन का इशू नहीं है। तो अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसकी अनबॉक्सिंग। ओके, सो सबसे पहले हमें देखने को मिल रही है, ये है इसका जो आपकी बैक पे जो आएगा ना, ये वो है बैक सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिल रही है एक्चुअल सीट आपकी, जिस पर आपने बैठना है। ओके, इसको भी इधर रख लेते हैं। ओके, सही है। अच्छा, उसके बाद हमें देखने को मिल रही है, ओके, यहाँ पर व्हील्स लगेंगे इसके, और ये सीन होगा, सही है। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है इसका, ओके, हैंडल है, आई डोंट नो, राइट वाला लेफ्ट वाला, ये लिखा होगा। खैर, इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद दूसरा हैंडल है, ओके ओके ओके, उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है, अच्छा ये है इसका हेड सपोर्ट, ठीक है। इसको भी खोल के दिखाता हूँ। और ये आगे इसके व्हील्स, ठीक है। दिस इज हैवी। ओके, तो इसका ये है एडजस्टर जो हाइट एडजस्ट करेगा, सही है, ठीक है, काफी हैवी है। ओके, इसको भी रख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये है कुछ साइलेंसर टाइप चीज, हाँ ये वो करेगी आई गेस, ये सबसे नीचे लगेगी, इसके ऊपर चेयर आएगी। ओके, इसको भी यहाँ रख देते हैं। उसके बाद ये क्या है, नॉट श्योर ये क्या है, खैर इसको भी देख लेते हैं। और लास्टली ओके, ये भी आई एम नॉट श्योर ये क्या है, नॉट श्योर ये क्या है। खैर, तो ये चीज है, ये कोई नट्स एंड बोल्ट्स तो नहीं दिख रहे, तो आई एम नॉट श्योर के अगर नट्स एंड बोल्ट्स उन्होंने नहीं भेजे, इसका मतलब ये है कि इस शेयर में नट्स एंड बोल्ट्स की जरूरत नहीं होगी। तो आई एम ग्लैड, इसको स्टार्ट करते हैं, सही है, इसको असेंबल करने के बाद आपको दिखाता हूँ, सही है। A few moments later. तो यार ये थी इस चीज़ की अनबॉक्सिंग और असेंबलिंग। असेंबलिंग अनफॉर्चुनेटली मैं दिखा नहीं सका क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस था, मुझे खुद फिगर आउट करना पड़ा काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन ये है कि मैं चेयर ज़रूर दिखा सकता हूँ। तो एज यू कैन सी, दिस इज़ अ चेयर, बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त महसूस हो रहा है। एंड मतलब बैक सपोर्ट, हेड सपोर्ट और ओवरऑल चेयर की सेटिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। हाँ, असेंबलिंग में ज़रूर इश्यूज़ होंगे,
एक चीज मैं बताना भूल गया था यार, ये मैंने ऑर्डर की थी अपना फर्नीचर डॉट पी के से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है और खुद असेंबल कर सकता है, क्योंकि मेन चीज़ असेंबलिंग है तो वो इस लिंक से जाके कर सकता है। उसके अलावा यार अगर चेयर के बारे में बात कर ली जाए तो ये एक ऑफिस चेयर है हेड सपोर्ट के साथ, और इसकी बैक काफ़ी लाइट है ये, और काफ़ी ज़बरदस्त है। इसका बैक सपोर्ट अच्छा है, इसका हेड सपोर्ट अच्छा है, और उसके अलावा आपकी जो ओवरऑल सेटिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है इस चेयर पे। आपको बैक पेन नहीं होने वाली बिल्कुल भी। मुझे रिसेंटली कुछ टाइम से हो रही थी, लेकिन ये चेयर यूज़ करने के बाद मेरी बैक पेन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गई है, और उम्मीद करता हूँ कि भाई ख़त्म भी हो जाएगी। उसके अलावा अगर इसकी प्राइस की बात कर लें यार, ये प्राइस तकरीबन 10,500 मुझे कॉस्ट की है। ये लोग 800 रुपये डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, और उसके अलावा जो कुर्सी की प्राइस है, जो चेयर की प्राइस है वो होती है। उसके अलावा अगर क्वालिटी की बात कर लीजिए, क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है, 1 साल की वारंटी ऊपर मेंशन है, आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। मोस्टली चेयर्स पर उनकी है वारंटी, बाकी फर्नीचर भी काफ़ी अच्छा उनके पास अवेलेबल है। उसके अलावा इसमें और ऐसा क्या है डिस्कस करने वाला, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड। इसको असेंबल करना और इसको मंगवाना काफ़ी मज़ेदार प्रोसेस था, एंड आई वुड ऑल्सो प्रेफर कि अगर आप असेंबल कर सकते हैं तो आप इसको ऑर्डर करके खुद असेंबल कर सकते हैं अगर आप असेंबल करना चाहते हैं। इट्स क्वाइट अ फन प्रोसेस। मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी, ऑब्वियसली मेरा मेरी ये नीश नहीं है इसको असेंबल करना, या टेक्निकल चीज़ें इस तरह की, मैकेनिकल चीज़ें, फिजिकल चीज़ें मेरी नीश नहीं है, मेरी स्पेशलिटी नहीं है। इसलिए मेरा दोस्त साथ में था अबरार, और थैंक्स टू हिम उसने काफ़ी, मतलब उसने काफ़ी क्या सारी उसने असेंबल की है। तो खैर दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। उम्मीद है यार आपको ये पसंद आई होगी, उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरे से कोई पूछता है कि यार ये चेयर मंगवाना वर्थ इट था या नहीं था, तो आई वुड से कि वर्थ इट था। आई वुड से कि इट वॉज टोटली वर्थ इट फॉर द प्राइस। आई थिंक ज़बरदस्त चीज़ मुझे मिल गई है, और मैंने लोकल मार्केट में पता की थी, लोकल मार्केट में ये सेम चीज़ 12-13 हज़ार से कम पे नहीं थी। बस फ़र्क ये है कि यार वो असेंबल करके देते हैं, वो मंगवा के देते हैं, और ये लोग डब्बे में पैक करके, जिस तरह के आप ऑलरेडी देख चुके हैं वैसे देते हैं। तो उसके अलावा यार इसमें कोई इश्यूज़ मुझे नज़र नहीं आए। ज़बरदस्त सीन है, आप अगर ऑर्डर करना चाहें तो भाई करें, सो बिस्मिल्लाह। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये, एक अच्छा एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा यार आपसे शेयर कर लूँ। और अगर आप गेमिंग के लिए, ऑफिस के लिए, बैक पेन के लिए, या अपने काम के लिए कुछ चेयर ढूंढ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, ज़बरदस्त चेयर है। बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दैट मीन्स अलॉट टू मी, दैट हेल्प्स मी अलॉट। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।